सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू एपिसोड ऑफ अमरनाथ यात्रा। और फाइनली जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप देख चुके हैं कि मैं पहुंच चुका था पहलगाम, और पूरा व्लॉग आप पहलगाम का तो देख चुका है, पहलगाम बेस कैंप का। लेकिन यहाँ से कुछ 14 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है चंदनवाड़ी, जो एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है अमरनाथ यात्रा का वहीं से। यहाँ से हम निकलने वाले हैं जस्ट वहाँ के लिए। वहाँ का अभी फुल डिटेल्स, वहाँ के बेस कैंप की फैसिलिटीज़ और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। बने रहना। लेकिन हाँ भाई, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और साथ में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई ऐसे ही नए नए और बेस्ट से इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो चैनल पर आने वाले हैं। फाइनली चलो चलते हैं सीधे चंदनवाड़ी के लिए, और आपको पूरी जानकारी देते हैं, और बीच के नज़ारे तो आपको दिखाना भूलेंगे कैसे भाई, वो भी जरूर दिखाएंगे। चलो चलते हैं भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई शिव मंदिर, और यहाँ से कुछ अराउंड 50 मीटर पे अपना गुरुद्वारा है जहाँ पर हम रुके हुए थे, और 50 मीटर के बाद ही यहाँ पर एक स्क्वायर पड़ता है जहाँ पर ऑलरेडी हमें मिलता है शिव मंदिर, जहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा भंडारा भी लगा हुआ है। शिव मंदिर के जस्ट बाहर ही लगा हुआ है एक छोटा सा भंडारा, जहाँ पर हम करने वाले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, और फिर निकलते हैं चंदनवाड़ी के लिए जल्दी से। फाइनली भी अराउंड हम कम से कम 2 से 2.5-3 किलोमीटर चल चुके हैं कहाँ से, गुरुद्वारा से, और वहाँ से चलने के बाद भाई पहला ब्रिज जो पड़ता है ना नदी वाला, इतनी खतरनाक चेकिंग भाई दो दो बार मन बनाया नहीं छोड़ने का, फिर दो दो बार मन बनाया कि छोड़ देते हैं, फाइनली हमको छोड़ दिए। हम लोग आ चुके हैं, लेकिन भाई ऐसा सुनसान रास्ता है ना कि इधर ओनली फॉर कॉमर्शियल गाड़ियाँ चलती है, इसके बाद यहाँ से आपको कोई भी प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, वो मोस्टली अर्जेंट वाली गाड़ियाँ पर जाती है इधर, उसके सिवा सारी कॉमर्शियल गाड़ियाँ पर जाती है भाई। अब यहाँ से देखते हैं कॉमर्शियल गाड़ियों में लिफ्ट लेने का ट्राई करते हैं, आई होप मिल जाए, होप ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते भाई। भाई आज की टोटल ट्रैकिंग की बात करूँ तो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर हो चुका है हमको, और अभी भी चंदनवाड़ी कुछ 6 से 7 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है भाई। लिफ्ट तो अभी तक मिली नहीं, लेकिन ट्रैकिंग करने में मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसे खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहा है भाई। हाँ वो देखो यार, है ना, इसीलिए अपन पैदल भी चल पा रहे हैं। चलो पहुँचते और आगे। हाँ लास्ट चेकिंग हुई थी ना वहाँ से इस स्पॉट पर आया जाता है, और ये एक पिकनिक स्पॉट है जो बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है भाई, अल्टीमेट है यार। हो हो वो देखो वहाँ से नदी बह रही है भाई, क्या बात है। बाकी है भाई 9 किलोमीटर जाना है मुझे, 9 किलोमीटर। हाँ चलो चलते हैं। ओ भाई साहब, दिल छू लेने वाली जगह दिखाता हूँ आपको यार, भाई साहब सक्सेसफुल, लिफ्ट मिल गई 6-7 किलोमीटर की, और नजारा देखो यार, पीछे देख पीछे भाई साहब, दिस कॉल्ड कश्मीर।
सो फाइनली भाई 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग और 6 किलोमीटर की लिफ्ट लेने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ? चंदनवाड़ी। और चंदनवाड़ी में फ्रंट का कुछ नजारा ऐसा है भाई, जहाँ पर इधर पार्किंग है और यहाँ से स्टार्ट होती है भाई ट्रैकिंग, और हम चलने वाले थोड़े आगे तक और आपको देने वाले पूरी जानकारी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है ना हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो है कुछ 4200, वो भी एक तरफ का भाई, है ना। और मैं भी घोड़े खच्चर का जो है वो यहाँ पर आगे चल के बताऊँगा मैं आपको। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हम मेन चेक इन पॉइंट पहलगाम वाला, और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है। फाइनली एंट्री हो चुकी है भाई, और भाई साहब ओनली आधे घंटे की परमिशन मिली है, जिसमें से हम भंडारा करके और वापस से निकलने वाले हैं आगे के लिए। और भाई इतनी भयंकर की सिक्योरिटी, क्यों पहलगाम वाली अल्टीमेट वाली थी यार, खतरनाक। सो चलो भंडारा खाते और निकलते हैं वापस। हेलीकॉप्टर को तो मैंने बताया था 4200 वन साइडेड, देन अगर मैं घोड़े की अगर बात करूँ ना तो 2900 वन साइडेड है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है ऑलरेडी। और अगर मैं डंडी की बात करूँ, डंडी मीन्स जो चार लोग कंधे पे लेकर चलते हैं, तो उसका है 28,000 पर पर्सन। और भाई साहब ये सारे रेट लिखे हुए काहे के? तो भाई भंडारा वाला पूरा जो एरिया है ना वो इस साइड में रह जाता है, और यहाँ से जो ट्रैक स्टार्ट होता है कुछ अराउंड और आगे 500 मीटर तक गाड़ी आ जाती है फोर व्हीलर, उसके बाद होता है एक्चुअल में ट्रैकिंग स्टार्ट। और ये जितने भी टेंट दिख रहे हैं एक्चुअली में ये टेंट रहने के लिए नहीं है, ये घोड़े खच्चर वालों के हैं। कुछ दुकानें हैं जो यहाँ पर थोड़ी बहुत है, और काफ़ी सारी एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा है, ताकि क्योंकि इस एरिया में लंबी ट्रैकिंग है, थोड़ा सा सांस वाली प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑफ ऊपर तक जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर ऊपर पहुँचते हैं ना वहाँ पर थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऑलरेडी पहले से मेडिकल फैसिलिटीज़ दे के रखी हुई है ऑलरेडी, और इतनी सारी व्यवस्थाएं दे के रखी हुई है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो फाइनली चलते हैं यार वापस से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, मात्र आधे घंटे का टाइम मिला था हम लोगों को, सो वो ख़त्म होने वाला है। सो फाइनली निकलते हैं इन भंडारों को पार करके और चलते हैं यार अपने डेस्टिनेशन के लिए। सो फाइनली भाई हम लोग वो वहाँ पर है ना चेकिंग पॉइंट, वहाँ से क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, और नदियों को और इन खूबसूरत वादियों को निहारने के बाद हम निकल रहे हैं फाइनली वापस से कहाँ के लिए, पहलगाम के लिए। और यहाँ से कुछ अराउंड 17 to 18 किलोमीटर है, जो थोड़े दूर ट्रैक थोड़े दूर लिफ्ट लेते हुए हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन हमें बीच में बहुत ही खूबसूरत सा झरना दिखा था यार, अगर भी पॉसिबल हो पाए और हम उसको ट्रैक कर पाए तो जरूर ट्रैक करने वाले, और पूरी एकदम खूबसूरत वादियाँ दिखाने वाले। सो चलो चलते हैं भाई, और गाड़ी आ रही। नहीं दे रहा यार लिफ्ट, चलो कोई नहीं पैदल ट्रैक करते हैं।
सो फाइनली हम पूछ चुके हैं यार, हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? पहलगाम, जहाँ पर गुरुद्वारा है, हम लोग राइट में रुके हुए तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कहाँ से? चंदनवाड़ी से। हम लोगों को एक लिफ्ट मिल गई थी, लेकिन लिफ्ट वाले ने बाद में धोखा दिया, 50 रुपये हम लोगों से लिया दोनों के। तो एक बात अलग है, ठीक है, इतना तो बनता है यार देना भी कभी कभी। और यार आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जाना होगा आप लोगों ने अच्छा खासा। सो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, लेकिन उससे पहले जरूर बोलूंगा यार कि इन्जॉय अगर किया हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, ऐसे व्लॉग हम लाते रहते हैं यार, तो शेयर भी जरूर करना है यार, जितने ज़्यादा ज़्यादा लोगों से शेयर करोगे हमारी मेहनत का थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा यार। सो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। तो फाइनली टाटा बाय बाय बोलते हैं और करते व्लॉग एंड, बाय बाय।